Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तू तो अर्जुन सर के साथ दिन रात काम करता है, तुझे पता है कि उनकी कैसी मीटिंग्स होती है, क्या प्लान्स होते हैं, कहाँ किससे मिलते हैं। तू बता ना उन्हें हमको कि अर्जुन सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्या तुझे लगता है वो ऐसे होंगे, उनका कहीं और अफेयर होगा। पूर्वी तू पता करेगी आज कि वो लड़की कौन जो अर्जुन सर और ओबी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तू इतना करेगी ना, तू पता लगाएगी ना। अगर मेरी और अर्जुन की सच्चाई सबके सामने आ गई तो नहीं, मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। इससे पहले कि वो लड़की ओबी को सब कुछ बता दे, मुझे उस लड़की तक पहुंचना होगा। जरूरत पड़ने पर अर्जुन से भी बात करनी होगी। मुझे उससे लाख नफरत से किनाई और ओबी की खातिर मुझे उससे मिलना होगा। पूर्णिमा जरा सुनो तो, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो हमारी टेलीफोन ऑपरेटर रुबीना है ना, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो वो आज काम पर नहीं आने वाली। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई सीरियस प्रॉब्लम? ना, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन रुबीना की यहाँ ना होने की वजह से हम सबको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम सब चाहते हैं अगर आज का दिन सिर्फ तुम रुबीना का काम संभाल सको तो हमारे लिए हेल्प होगी। पूर्णिमा, वी कैन अंडरस्टैंड, हमें तुमसे ये सब कहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है। लगातार क्लाइंट्स के कॉल्स आ रहे हैं और एक्सटेंशन भी ठीक से मिल नहीं रहे। अब यहाँ की प्रॉब्लम तो कोई समझेगा नहीं, बेकार में कंपनी का नाम खराब होगा। ठीक है, आज के लिए आई विल डू इट। थैंक्स अ लॉट पूर्णिमा। अब इसमें थैंक्स की क्या बात है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल अ टीम। आप उनके साथ नेगोशिएशन के बाद शुरू कर दीजिए एंड सेटल फॉर अ लोअर कॉम्पनसेशन प्राइस। मैं ओवी को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से निकालना चाहता हूँ। सच्चू, क्या प्रॉब्लम है? ओवी के साथ कुछ हुआ है क्या? जो भी हो, आपसे मतलब? एक सेकंड, शायद तू भूल रहा है सच्चू कि मैं तेरी आई हूँ, तेरी जिंदगी में, ओवी की जिंदगी में, तेजू की जिंदगी में। क्या हो रहा है, इन सारी चीजों का मतलब मुझे जानना जरूरी है। इतने सालों तक मैं तुम लोगों के साथ नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज अगर मैं तेरे सामने हूँ तो मुझे जानने का पूरा हक बनता है। मुझे पता ओवी के साथ क्या हुआ है। अर्चना जी, इंडिया आने से पहले ओवी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे शादी किए बिना कनाडा वापस नहीं जाना है। अब प्लीज कुछ भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। अच्छा, तू टेंशन मत ले, आई विल ट्राई एंड आई एम श्योर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आए। सचिन, एक्चुअली द केस इज क्वाइट क्रिटिकल, इट्स ओनली यू जो हमारी मदद कर सकता है, प्लीज डू समथिंग। अर्जुन, डोंट वरी, मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। एनीवे, आई विल मेक अ मूव, मेरी मीटिंग। सचिन, सचिन, one more thing, Sachin, actually just make it sure ki Manav uncle ko is bare mein kuch batana chale, theek hai? Aur us contract ke according jab tak unka kaam khatam nahi hota wo bhi shaadi nahi kar sakte, aur ye to bahut obvious hi baat hai na ki ab aisa ho nahi sakta kyunki wo bhi ki sagai ho chuki hai, shaadi ki date finalize ho chuki hai, isliye us company ne ovi ke against legal action liya। Legal matlab? As in केस फाइल किया। ये जो आपकी खामखा की चिंता है ना, अपने पास रखिए, और ये जो फेक कंसर्न है ना, प्लीज मत दिखाइए। अभी ओवी का भाई उसके साथ है और उसको कोई भी प्रॉब्लम से निकाल सकता है, ठीक है? और हाँ, बाबा को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, ओवी भी यही चाहते। हम नहीं चाहते कि बाबा की प्रॉब्लम्स और बढ़े, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। So I hope you understand. Thank you, Sachin. मुझे बताने के लिए। वैसे अगर तेरी ये आई अपने एक बेटे के लिए अपनी पूरी गृहस्थी लुटा सकती, तो दूसरी बेटी के लिए
ये राज राज भी रहने दे सकती। बस एक बिनती है, ओवी को जल्द से जल्द इस चीज से बाहर निकाल प्लीज। ऐसे ही वैसे ही ऐसे अर्जुन के मामले को लेकर ओवी इतनी परेशान और से ये सब कुछ मुझे हर हाल में उसकी मदद करनी होगी, उसकी परेशानी कम करनी होगी। क्या करूं मैं? हाँ हाँ, मैं पूर्वी से बात करके देख रही हूँ। तब तो शायद उसे कुछ ना कुछ पता चल ही गया होगा उस लड़की के बारे में। हेलो, या वन मोमेंट प्लीज। हेलो जी, जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, क्या मैं पूर्वी देशमुख से बात कर सकती हूँ? अच्छा, क्या आप पुन्नी जी? वो एक्चुअली आज हमारी रिसेप्शनिस्ट काम पे नहीं आई थी, तो मैं उसका काम कर रही हूँ। अच्छा, वो पुन्नी मुझे पूर्वी से बात करनी थी। मैं उसको फोन लगाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं उसका फोन नहीं लग रहा है, ऑफ आ रहा है बार बार। अब कोई बात नहीं, मैं अभी लाइन कनेक्ट करती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो हेलो पूर्वी, तेरे फोन को क्या हो गया? कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तेरा फोन ऑफ ही आ रहा है, पता नहीं क्या। आई एक्चुअली फोन की ना बैटरी डाउन हो रखी है, तो मैंने अभी अभी चार्ज पे लगाया है। तू बता, तूने मुझे कैसे फोन किया? पूर्वी, वो तूने उस लड़की के बारे में कुछ पता किया? कौन है, कहाँ, क्या, तूने कुछ पता किया उस लड़की के बारे में? आई अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन मैं उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगा कर रहूंगी जिसने ओवी मैम को फोन किया था। ओवी प्लीज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता कर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ओवी बेचारी कितना सोच रही होगी इन सारी चीजों के बारे में। आई तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? देख मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो लड़की चाहे जो भी हो, मैं उसका पता लगा के रहूंगी। आई चल ठीक है, तू जल्द से जल्द पता करो। बाय बाय। अर्जुन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अर्चना, मैंने अकबर वाले को इस महीने का बिल दे दिया है, इसलिए बता रहा हूं तुम गलती से उसे दोबारा मत दे देना। ये पैसे मान, दो दिन नहीं आया था पेपर, तो ऐसे काट लीजिए। अर्चना, मैंने कहा मैंने पैसे दे दिए। सॉरी, मैं क्या हुआ अर्चना, तुम परेशान लग रही? नहीं कुछ नहीं बाना, कुछ नहीं हुआ। अर्चना मानव, वो कुछ दिन पहले ओवी आई थी आई के घर पे। आई के घर किस लिए? और बहुत रो भी रही थी। रो रही थी क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मानव, वो ओवी को किसी लड़की का फोन आया था, और वो लड़की उससे कह रही थी कि अर्जुन का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। ये हो ही नहीं सकता। जानती हूँ मानव, और यही चीज मेरे ओवी को भी समझा। मैंने उससे कहा कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पूर्वी को कहा है कि वो उस लड़की के बारे में पता करे। वो सब तो ठीक है अच्छा, लेकिन कौन है जो बार बार अर्जुन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है?
पहले ये MMS आया, उसके बाद अभी कॉल आई, वो तो अच्छा है कि हम लोग अर्जुन। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।